शुभांगी, टोटू बेटा आप भी हाई कर दो सबको। हाय गाइस। शाबाश। एनीवे गाइस, जैसा कि आपको पता है वीडियो की टाइटल से, आज मैं करने जा रही हूँ वर्ल्ड की टाइनीएस्ट पेंटिंग ऑन कैनवस। यस, मैं वर्ल्ड की टाइनीएस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे इससे छोटा कैनवस तो नहीं मिला, एंड दिस कॉस्टेड मी अराउंड 30 रुपीज, मतलब 30 रुपए के यार चिप्स आते हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई डूइंग दिस एज वेल, एंड मैं सच में बता देती हूँ इसका साइज मेरे हाथ से भी छोटा है। सो नाउ यू गाइस कैन इमेजिन, आज कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है इस चैनल पे। प्लस अगर आपको नहीं पता है तो ये बहुत ज़्यादा सैड चीज़ है, मैं रिसेंटली अपने गाँव गई थी, होम टाउन गई थी, एंड दैट इज वाई आई थॉट क्यों ना मैं लैंडस्केप पेंटिंग से रिलेटेड कुछ बनाऊँ अपने गाँव की याद में। सो अगर आपको नहीं पता है तो मैं उत्तरांचल से हूँ यार, मैं माउंटेन से हूँ। सो आज की ये वीडियो इंस्पायर्ड होगी मेरे गाँव से। अब इंतजार किस बात का, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी पैकेजिंग पे अटैक करूंगी और उसे निकाल के फेंक दूंगी, बिकॉज पेंट करना है यार। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ अपनी एक रेगुलर नॉर्मल तो नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कटर। एनीवे गाइस, दिस इज व्हाट द टाइनीएस्ट मेरे हिसाब से कैनवस लुक्स लाइक, एंड पीछे से भी देख लो, फाइन आर्ट लिखा हुआ है, एंड इसका टेक्सचर देख लो अच्छे से, क्योंकि कैनवस का टेक्सचर ऐसा ही होता है, एंड आई हैव रियलाइज्ड कि ये टेक्सचर ना थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है। सो वी विल ट्राई टू प्रेप आवर बेस यूजिंग जेसो, एंड ये स्टेप जरूरी नहीं है, मैं बस इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई। यूजली जेसो को अप्लाई तब करते हैं जब हम ऑयल पेंट्स यूज करते हैं, क्योंकि एक्रेलिक पेंट्स तो ऑलरेडी काफी थिक होते हैं, बट देन आई थॉट लेट्स ट्राई दिस वन आउट बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स। सो येस, आई एम गोना क्विकली अप्लाई मल्टीपल कोट्स ऑफ जेसो। ओके देन, फाइनली जेसो अप्लाई करने के बाद दिस इज व्हाट द फाइनल टेक्सचर लुक्स लाइक, एंड अगर हम कंपेयर करें इस वाले टेक्सचर को पुराने वाले टेक्सचर से, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो यस, आई एम वे टू एक्साइटेड गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर टाइनीएस्ट पेंटिंग ऑन टाइनीएस्ट कैनवस। हमेशा की तरह मैं स्टार्ट करूंगी पहले बैकग्राउंड से, एंड बैकग्राउंड से मेरा मतलब है स्काई से। सो यहाँ पे मैं यूज करूंगी व्हाइट, येलो, ऑरेंज एंड थोड़ा सा ब्लू कलर, एंड फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसे एक अमेजिंग सा बेस दूंगी। एंड हाँ, मेरे पास ये फ्लैट ब्रश छोटा नहीं था इसलिए मैं बड़े नंबर का फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ। इससे याद आता है कि मुझे जल्दी शॉपिंग जाना है आर्ट सप्लाईज की, बिकॉज मेरे बाकी ब्रशेस खराब हो चुके हैं यार। एनीवे, मूविंग ऑन, मुझे बनाते बनाते अपने गांव की इतनी ज्यादा याद आ रही है कि मैं क्या बताऊँ यार। सो यस, मेरे उत्तरांचल ट्रिप से रिलेटेड व्लॉग भी अपलोड होने वाला है मेरे न्यू चैनल पे, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दैट चैनल फॉर ऑल दी अपडेट्स रिलेटेड टू My life, basically जो भी मेरी inspirations होती हैं इस channel में, वो inspirations मैं उस channel पे upload करूंगी, जैसे कि मेरा उत्तरांचल वाला vlog. So stay tuned guys. By the way, I hope आपने notice किया होगा कि यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी pencil का use नहीं किया है, मैं directly painting start कर रही हूँ because I am excited यार, मैं अपने गाँव को बना रही हूँ तो excitement तो होगी ही ना। Anyway guys, so इस painting को मैं details से ही भर भर के बहुत ज़्यादा beautiful करूँगी, क्योंकि details के बिना ज़िंदगी अधूरी है, and painting तो होगी ही ना फिर अधूरी। So anyway, I'm gonna add a lot of plants, a lot of greenery, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा greenery वाली जगह से आई ना, मुझे सिटीज में आके ऐसा लग रहा है कि यार पेड़ ही नहीं है। By the way, मुझे suddenly याद आया कि मेरे पास एक tiny easel था, and ये भी मैंने उसी दिन purchase किया था जिस दिन मैंने ये tiny canvas purchase किया था। Oh my God, I can actually use this. कितना बढ़िया लग रहा है ना यार, ये painting करने में भी काफी मजा आएगा। ट्रस्ट मी, अभी तो ये सारी डिटेल्स शुरू हुई है, आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ, बिकॉज आई हैव अ लॉट इन माई माइंड, लेट्स सी वो कैसा बनता है एंड में। ऑल्सो गाइस, मैंने नोटिस किया कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, विच इज जस्ट सो सैड। सो इंस्टाग्राम पे मैं अपनी लाइफ अपडेट्स देती हूँ, इफ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट फॉलो मी। कमिंग बैक टू दिस, डिड आई टेल यू कि अब मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ लाइट एंड शैडो पे, तो मैं इमेजिन कर रही हूँ जहाँ पे सन की लाइट आएगी वहां पे कंपेरेटिवली लाइटर शेड्स होंगे,
होंगे ग्रीन के, इस पेंटिंग को बनाते बनाते आई सीरियसली फील मैंने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है खुद से, सच्ची। अब जल्दी से इन दो ट्रीज में भी डिटेल्स ऐड करना मैं स्टार्ट कर दूंगी। Oh my god, this is looking so damn good. But अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सारी डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है, ये फाइनल हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। मुझे अभी थोड़ी और डिटेल्स ऐड करनी है, थोड़ी और लाइट एंड शैडोज ऐड करनी है, जिससे कि ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। By the way guys, do you know what? So, इस हफ्ते मैं बहुत ज्यादा टायर्ड थी बिकॉज मैं उत्तरांचल गई थी, जैसा कि मैंने आपको बोला। मैंने सोचा था कि मैं इस हफ्ते की वीडियो स्किप कर देती हूँ, बट देन जैसे ही मैंने सैटरडे वाली वीडियो अपलोड करी शिवांगी सा अनकट में, आप लोग का इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स था। आप में से काफी लोग उस चैनल में पूछ रहे थे कि ये वाली वीडियो कब आएगी, पर सना मेरी मम्मा पीछे पड़ जाती है, बेटा सब लोग वेट कर रहे होंगे। एंड सच में ना मुझे ना गिल्टी फील होने लग जाता है कि शिट कितने लोग वेट कर रहे होंगे। सो दैट इज व्हाई आई थॉट थोड़ा स्ट्रेच करके मेहनत करके कर लिया जाए। सो प्लीज़ ज़रूर बताना आपको कैसी लग रही है ये वीडियो, क्योंकि मैं अपना पूरा हार्ट एंड सोल एंड खून पसीना लिटरल सेंस में लगा के इन वीडियोस को क्रिएट करती हूँ। पेंटिंग ही सब कुछ नहीं होता, यहाँ पे आना, एडिटिंग करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो प्लीज़ आप अपनी तरफ से बस एक चीज़ कर सकते हो, विच इज़ जस्ट शेयर माई वीडियोज़ विद द पीपल जिनको आपको लगता है मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे चैनल पे लाइक कर दिया करो एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि यही चीज़ें तो मैटर करती है यार। Okay guys, so this is what our final piece looks like and this is looking so damn good. एकदम हमारे गाउन जैसी फील्स आ रही है guys. तो अगर आपने मेरा गांव नहीं देखा तो यहीं से देख के समझ लो कि यही है मेरा गांव। एनीवे, अब मैं इसको हमेशा यहाँ पे इस तरीके से सजा के रखूंगी। ये लीजिए। सो टोटू को हम छुपाने नहीं वाले हैं, क्योंकि टोटू इज माय फर्स्ट पेट आइडली देखा जाए तो। एनीवे गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने यूट्यूब पे एक और चैनल शुरू कर दिया है, विच इज शिवांगी सा अनकट, जहाँ पे मैं बहुत रैंडम चीजें अपलोड करती हूँ अपनी लाइफ के बारे में, अपनी हरकतों के बारे में। सो इफ यू गाइज वॉन्ट टू नो मी मोर, आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो। फॉलो क्यों बोल रही हूँ मैं? ओके गाइज, सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। दिस इज द आउटकम एंड दिस इज लुकिंग स्टनिंग। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में आपको आज की वीडियो कैसी लगी। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मतलब सब्सक्राइब तब करना अगर आप नए हो, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दोबारा नहीं करना सब्सक्राइब, नहीं तो आप अनसब्सक्राइब हो जाओगे। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, बहुत मेहनत जाती है। एंड यू नो इट राइट, आई लव यू गाइज।